Good morning, students. Today in our GK class, we are here with chapter number 25, Bird Puzzle. And this is under Plants and Animals. Here, a crossword is given. And then now, we are going to start with the crosswords. It means, यहाँ पे crossword दिया है और हम बारी बारी देखेंगे कि इसमें क्या बोला है. Cross हमें एक सेंटेंस दिया होगा, उसके रिलेटेड हमें सोचना है कि ये कौन सा बर्ड है. फ्यू पिक्चर्स आर आल्सो गिवन, सो वन बाय वन वी विल सी. सो फर्स्ट वी विल सी इन द क्रॉस, फर्स्ट इज अ बर्ड दैट लेज एग इन द नेस्ट ऑफ अदर्स. ऐसा बर्ड जो दूसरों के घोंसलों में अपने अंडे देता है. सो दिस इज वन क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस दिया है. तो वन क्रॉस, तो यहाँ पे आप देखोगे वन क्रॉस, द बर्ड इज कुकू, CUCKOO, कुकू. सो यहाँ पे ऐसे आपको कुछ स्पेलिंग्स दिए हुए, कुछ लेटर्स आपको अपने आप से लिखने होंगे. सो द फर्स्ट क्रॉस दैट इज कुकू. सेकेंड, अ सी बर्ड दैट यूजेस इट्स विंग्स फॉर स्विमिंग एंड नॉट फॉर फ्लाइंग. ऐसा सी बर्ड जो अपनी विंग्स को स्विम करने के लिए यूज करता है, फ्लाई करने के लिए नहीं. तो सेकेंड क्रॉसवर्ड दैट इज पेंगुइन. थर्ड, अ बर्ड दैट फ्लाइज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. थर्ड वाला जो है वो बर्ड ऐसा है जो बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकता है और फॉरवर्ड. बैकवर्ड मतलब पीछे, फॉरवर्ड मतलब आगे. सो दैट थर्ड वन दैट इज ह्यूमिंग बर्ड. कमिंग अप टू फोर्थ, अ फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड में पाया गया ऐसा बर्ड है जो फ्लाइटलेस है. फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ान नहीं भर सकता. तो फोर्थ है कीवी, KIVI, दैट बर्ड इज कीवी. फिफ्थ वन, अ बर्ड विद ग्रेट आईज एंड ईयर्स एंड प्रेज एट नाइट. ऐसा बर्ड जिसकी आंखें और कान बहुत तेज है और वो रात को शिकार करता है. रात को शिकार कौन करता है? उल्लू. यस. सो फिफ्थ क्रॉस दैट इज आउल, OWL, आउल, जो रात को जागता है और शिकार करता है. कमिंग अप टू सिक्स्थ वन, अ बर्ड दैट कैन मेक होल्स इन द ट्रीज विथ इट्स बीक. ऐसा बर्ड जो पेड़ में छेद करता है, होल बनाता है अपनी चोंच से. सो सिक्स्थ क्रॉस दैट इज वुड पिकर. वुड पिकर जो है वो अपनी चोंच से होल बनाता है, ये आप देख सकते हो उसका पिक्चर. सेवेंथ वन दैट इज अ बर्ड दैट स्टील्स ब्राइट ऑब्जेक्ट. जो तेज ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको स्टील, स्टील मतलब ले लेता है. सेवेंथ दैट इज मैगपाई. नाउ ये मैगपाई जो है वो मैना जाति जो होता है, मीन्स पीहेन की जो जाति होती है उसके रिलेटेड ये उसकी जाति का है ये मैगपाई. सो सेवेंथ क्रॉस दैट इज मैगपाई. नाउ कमिंग अप टू डाउन, अ बर्ड दैट लिव्स इन बुरोज. बुरोज मतलब जो घोंसले जैसा होता है, पेड़ में छेद कर करके बनाया गया होता है. सो दैट इज टेन, सॉरी सेकेंड डाउन दैट इज पफिन, PUFFIN. पफिन जो है वो एक चिड़िया है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होती है. वो एक जात की चिड़िया ही है, वन टाइप ऑफ चिड़िया बोल सकते हो, और ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होती है, दैट इज पफिन. एट डाउन दैट इज अ बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होलो ट्री. होलो मतलब जो बहुत ही खुरदुरा होता है या अंदर से पूरा खाली होता है, ऐसा ऐसे ट्री में अपनी नेस्ट बनाता है, दैट इज एट डाउन. Now here, this is, you can see, hornbill, a bird that makes its nest in a hollow tree, that is hornbill. And last one, a bird that stitches a nest with leaves and twigs. ऐसा बर्ड जो अपना नेस्ट लीव्स और ट्विंग्स मतलब जो रेशे होते हैं झाड़ पत्तों के उससे अपना घोंसला बनाता है. सो दैट इज नाइन्थ डाउन. That is, you can see here, TAILOR,
bird, tail of bird, tailorbird, tail of bird. So these are the birds that descriptions also are given, and we have solved the puzzles. So like this only you will be writing in your textbook with pencil. Write down the date first, today's date, and then only you will be starting with chapter number 25. So this is the chapter bird puzzle. Next video we will be looking for the another chapter. Till then, take care and have a nice day. Thank you.